दोस्तों, आज 22 दिसंबर 2018 है और हम जा रहे हैं अम्बाला से बीकानेर बाय ट्रेन। यहाँ से बीकानेर 550 किलोमीटर दूर है। हम अभी ट्रेन में हैं, रात के 8 बज चुके हैं। हम बीकानेर सुबह 10 बजे पहुँच गए थे। आज 23 दिसंबर 2018 है और हम बीकानेर की यात्रा शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले हमने आसपास से ही घूमना शुरू किया। हमें पता लगा रेलवे स्टेशन के पास ही एक बीकानेर का दर्शनीय स्थल है, जो एक हवेली है, रामपुरिया हवेली। चलो आपको भी दिखाते हैं रामपुरिया हवेली। बीकानेर की गलियों में पूरी चहल पहल हो रही है, लोग अपने कामों में व्यस्त हैं और हम घूम रहे हैं। बीकानेर हजार हवेलियों का शहर कहा जाता है। यहाँ हर ईंट की अलग कहानी है। जब हम इन तंग गलियों से होते हुए इस हवेली तक पहुँचे, हमें ऐसा लगा हम किसी प्राचीन यूरोपीय शहर की गलियों से होते हुए जा रहे हैं। हम पहुंचे हैं रामपुरिया हवेली। ये हवेली रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर दूर है। जहाँ पर हम रुके थे वहाँ से ये हवेली 1 किलोमीटर से भी कम दूर थी, इसीलिए हम यहाँ पर पैदल आए हैं। रामपुरिया हवेली करीब 100 वर्ष पुरानी है, जो उस समय के सबसे अमीर उद्योगपति रामपुरिया परिवार के निवास स्थान थी। रामपुरिया हवेली का निर्माण सन 1925 में महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया था। बीकानेर में ज़्यादातर हवेलियाँ महाराजाओं के आदेश द्वारा बनाई गई, जो व्यापारियों के लिए बनाई गई थी, ताकि व्यापारी बीकानेर में अपना स्थायी निवास बना सकें और अच्छे से बीकानेर में व्यापार कर सकें। हवेली में लगे रंगीन कांच यूरोपियन शैली का जीता जागता सबूत है। इस हवेली को देखने का कोई भी शुल्क नहीं है, लेकिन इन हवेलियों के अंदर बिना परमिशन लिए नहीं जाया जा सकता। हम इन हवेलियों के अंदर नहीं जा सके, हमारे पास समय कम था, इसीलिए हमने हवेलियों की यात्रा बाहर से ही की। इन हवेलियों को देखने का सबसे बढ़िया तरीका पैदल ही है, लेकिन यहाँ पर टांगों की व्यवस्था भी है। टांगों से भी इन हवेलियों को देखा जा सकता है। इन हवेलियों के अंदर जाने के लिए ये रास्ता है, लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आई कि इतनी बड़ी हवेली के अंदर जाने के लिए इतना छोटा रास्ता क्यों बनाया गया। Thank you.
रामपुरिया हवेली को हम अच्छे से घूम चुके हैं। अब हम यहीं से पैदल जैन मंदिर जाएंगे और वहीं पर एक और जैन मंदिर है। जैन मंदिर के साथ एक भगवान विष्णु का मंदिर भी है। रामपुरिया हवेली से आगे का सफ़र भी हमने पैदल जारी रखा और हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए 20 मिनट लगे हैं। सामने ही जो मंदिर दिख रहा है वो मंदिर जैन मंदिर है, जिसका नाम भंडासर जैन मंदिर है। इस मंदिर को बंद सैर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सामने दिख रहा एंट्री गेट, इसी गेट से लक्ष्मीनाथ जी मंदिर जाया जाता है और जैन मंदिर भी बिल्कुल ही साथ में है। इसके अलावा एक जैन मंदिर और इन दोनों मंदिरों के थोड़ी सी पीछे है। सुबह का टाइम है, लोग यहाँ पर सब्जी बेच रहे हैं, मंदिर के लिए फूल ले सकते हैं। इसी रास्ते से आगे जाते हुए राइट हैंड साइड में गौशाला भी है, गाय के लिए चारा भी ले सकते हैं। इस रास्ते से आगे जाकर हम तीन मंदिरों में दर्शन करेंगे, दो जैन मंदिर और एक लक्ष्मीनाथ जी मंदिर। हमने पहले लक्ष्मीनाथ मंदिर जाना सही समझा, सामने गौशाला देख सकते हैं। ये ओल्ड बीकानेर है, यहाँ से बीकानेर का बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखता है। आगे वीडियो में आपको हम बीकानेर का इससे भी अच्छा नज़ारा दिखाएंगे। आपको लक्ष्मीनाथ मंदिर जी के बारे में भी थोड़ा बहुत बता देते हैं। लक्ष्मीनाथ मंदिर बीकानेर की सबसे पुरानी ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण बीकाजी द्वारा करवाया गया था। बीकाजी ने बीकानेर की नींव इसी मंदिर में 1488 ईस्वी में रखी थी। लक्ष्मीनाथ मंदिर के बाहर ही पिजन फीडिंग पॉइंट बनाया गया है। यहाँ पर लोग कबूतरों को दाना खिलाते हैं और यहाँ दाना खिलाना अच्छा माना जाता है। यहाँ पर हमने काफ़ी समय बिताया। मंदिर का एंट्री गेट आप सामने देख सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसीलिए हमने मंदिर के बाहर ही कुछ वीडियोस शूट किए हैं। ये मंदिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का मंदिर है। यहाँ पर लोकल लोग और टूरिस्ट भी बहुत मात्रा में आते हैं। हमने मंदिर में दर्शन किए। मंदिर में दर्शन करने के बाद सामने रास्ता जो जा रहा है उस रास्ते से हम दूसरे जैन मंदिर गए थे। कौन सा मंदिर है? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नाथ। लक्ष्मीनाथ मंदिर पहुंचे हैं हम सुबह सुबह आज।